पास्ट। राहुल गांधी रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में पहुंचे, 101,000 ट्रैक्टर्स पर जिले के किसान हुए सवार। इससे पहले राहुल गांधी ने वीर तेजाजी महाराज के दर्शन किए, इस दौरान सीएम गहलोत, सचिन पायलट, वैभव गहलोत समेत तमाम नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी किशनगढ़ एयरपोर्ट भी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी मकराना में किसान सभा को करेंगे संबोधित, इसके बाद किशनगढ़ एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए हो जाएंगे रवाना। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन, औद्योगिक इकाइयों के सवाल पर घिरे उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने उत्तर को बताया अपू। करौली में कनिष्ठ अभियंता को मारी गोली, आपसी वाद के चलते मुखराज मीणा को मारी गोली, करौली के ट्रामा वार्ड में कराया गया भर्ती, रोनी के बालाजी के पास सलेमपुर इलाके की घटना। 12 के अंत में नेशनल हाईवे 27 पर रेस्टोरेंट में चोरी करते हुए आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया, रेस्टोरेंट के मालिक वीरेंद्र खत्री ने बताया कि रेस्टोरेंट में 7,000 से 8,000 रुपए के सामान की चोरी हुई। आरोपी चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आरोपी युवक पहले इसी रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसे पहले भी चोरी करने की वजह से काम से हटा दिया गया था। बांसवाड़ा की सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने फर्जी एसडीएम को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि व्यक्ति लग्जरी गाड़ी लेकर घूम रहा है और अपने आप को एसडीएम बताकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दे रहा है। जयपुर ग्रामीण एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन हाईवे के तहत डीएसटी की टीम और औषधि नियंत्रक विभाग ने नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सहारा जन स्वास्थ्य केंद्र क्लिनिक पर छापे की कार्रवाई, तलाशी के दौरान टीम को बड़ी संख्या में नशीली दवाइयां मिली हैं। बिना किसी ड्रग लाइसेंस के ही यहां पर फर्जी तरीके से दवाइयां बेची जा रही थी। पुलिस ने झोला छाप चिकित्सक को हिरासत में लिया। जयपुर के फागी में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध बजरी का खनन और परिवहन हो रहा है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूधों में अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की गई, जहां पर उन्होंने अवैध बजरी से भरे 13 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। जैसलमेर के गांधी कॉलोनी इलाके में 2 फरवरी से एक नाबालिग किशोरी घर से लापता होने के बाद उसके परिजनों ने उसके अपहरण की नामजद रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई। बूंदी में डाबी बरड़ क्षेत्र के वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है, तो वहीं कार्रवाई करने गई टीम ने 2 वाहनों और अन्य साधनों को मौके पर ही छोड़ दिया। ऐसे में वन विभाग की इस कार्रवाई पर कई तरह के सवाल उठाए। 12 के अंता में एनटीपीसी रोड पर दाई मुख्य नहर के पास सीएडी की जमीन पर बुजुर्ग के शव को दफनाने की सूचना पर सीएडी अधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव के दफनाने के कार्यक्रम को रुकवाया, शव को दूसरी जगह दफनाया गया। कोटा ईसीबी ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कैशियर को 10,000 की रिश्वत देते हुए ट्रैप किया है। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा और कैशियर चंद्र प्रकाश ने पेटीएम से रिश्वत मांगी और वहीं 5,000 रुपये डलवाए थे। सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर राजियासर के पास ट्रक और जीप में भीषण भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद मौके पर जुटी लोगों की मदद के लिए भीड़। बीकानेर में ममता हुई शर्मसार, नाले में मिला नवजात का शव, पीबीएम के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास नाले में मिला शव। दौसा जिले के सिकराय में गढ़गांव में 33 केवी बिजली सब स्टेशन पर ग्रामीणों ने अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विद्युत कटौती बंद करने की मांग की।